हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। माइसेल्फ निकुंज पटेल, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट वर्किंग प्रिंसिपल एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव ओवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्किंग प्रिंसिपल, माइक्रोवेव हीटिंग इज द डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एंड हीटिंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन माइक्रोवेव पासिस थ्रू द फूड पार्टिकल्स। जो माइक्रोवेव हीटिंग है वो डाइलेक्ट्रिक हीटिंग है, और जो हीटिंग जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, जब माइक्रोवेव जो है वो फूड पार्टिकल्स के थ्रू पास होंगे तब हीट प्रोड्यूस होता है। इन माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव्स ऑफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी आर जनरेटेड बाय यूजिंग माइक्रोवेव ऑसिलेटर, मैग्नेट्रॉन एंड अलाउड टू गो टू कैविटी, द स्पेस फॉर कीपिंग फूड फॉर कुकिंग। माइक्रोवेव ओवन के अंदर रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए माइक्रोवेव ऑसिलेटर यूज़ होता है, उसको टेक्निकली मैग्नेट्रॉन भी बोलते हैं, और बाद में उसको एक कैविटी तक ले जाया जाता है। कैविटी वो स्पेस है जहाँ पे फूड को कुक करने के लिए रखते हैं। इन कैविटी द रो फूड कैप्ड इन द यूटेंसिल इज हीटेड एंड कुक्ड बाय माइक्रोवेव। जो कैविटी है वहाँ पे जो रो फूड है उसको रखा जाता है यूटेंसिल के अंदर। यूटेंसिल मतलब कि जो माइक्रोवेव कुक होता है, कुकवेयर होता है, लाइक ग्लास, सिरेमिक ग्लास, चाइना क्ले या फिर प्लास्टिक कोई भी हो सकता है, वो होता है यूटेंसिल। और उसके अंदर से जब माइक्रोवेव पास होंगे तब वो रो फूड जो है आपका कच्चा फूड है वो कुक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बेसिक अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोवेव ओवन। दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ बेसिक अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोवेव ओवन। इसमें आप देख सकते हो मैग्नेट्रॉन, जो अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, वही कि मैग्नेट्रॉन जो है वो है एक माइक्रोवेव ऑसिलेटर है, और रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। बाद में होता है, दिखाया गया है वेव गाइड, जो माइक्रोवेव जनरेट होते हैं उसको वेव गाइड के थ्रू आगे ले जाया जाता है। आगे आप लास्ट सेकंड स्टेज में देख सकते हो, वो है ओवन की कैविटी। कैविटी के अंदर जैसे अभी बोला वैसे ही कि जो फूड को हमको कुक करना है उसको रखने के लिए जो स्पेस है उसको बोलते हैं ओवन की कैविटी। बाद में आप यूटेंसिल जैसे अभी डिस्कस किया वैसे ही कि वो माइक्रोवेव कुकवेयर है, जैसे ग्लास, सिरामिक ग्लास, चाइना क्ले पॉट्स या फिर प्लास्टिक, और उसके अंदर जब फूड रखते हैं हम लोग, और जब माइक्रोवेव उसमें से पास होता है तब वो फूड कुक होता है। नेक्स्ट इज ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो फर्स्ट ब्लॉक इज 230 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज पावर सब सोर्स। ये आपको डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपको मिल जाएगा 230 वोल्ट सब सोर्स। सेकंड ब्लॉक आपको दिख रहा है HT रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का फंक्शन आप लोग जानते हैं, रेक्टिफायर जो है वो AC टू DC करेगा, और यहाँ पे लिखा है HT मतलब हाई टेंशन या फिर हाई वोल्टेज भी बोल सकते हो। हाई वोल्टेज रेक्टिफायर जो है वो 230 वोल्ट AC से 230 वोल्ट DC करेगा, और नेक्स्ट जो ब्लॉक है मैग्नेट्रॉन है उसको सप्लाई करेगा। मैग्नेट्रॉन जो डिस्कस किया वैसे ही एक माइक्रोवेव ऑसिलेटर है जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट ब्लॉक आपको दिख रहा है वेव गाइड। वेव गाइड जो है वो उसके थ्रू जो माइक्रोवेव जनरेट हुए हैं उसको हम लोग आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर ओवन कैविटी लिखा है वहाँ तक। ओवन कैविटी वो है जहाँ पे जो रो फूड है या फिर जो फूड आपको पकाना है वो रखने के स्पेस है। नेक्स्ट जो नीचे का ब्लॉक है वो है माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल। माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल जो होता है उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सर्किट जो होता है और वो कुछ कमांड्स पे काम करती है, जैसे कि पावर लेवल कितना रखना है, टाइम कितना रखना है उसके हिसाब से, और वो जो और उसके नीचे जो है वो हम लोग कमांड कहाँ से ले सकते हैं, वो कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल जो होगी वो आपका जो माइक्रोवेव होगा उसके जो डोर होगा उस या फिर जो बॉडी होगी डोर के बाजू में होगा, वहीं पे आपको टाइम सेट के लिए भी दिया गया होगा प्रोविज़न,
इवन वहाँ पे कुछ डिस्प्ले भी हो रहा होगा, जैसे कितना टाइम हुआ है, पावर लेवल कितना है, या फिर टाइम को बढ़ाने के लिए या फिर कम करने के लिए भी प्रोविज़न दिया गया होता है। और भी बहुत सारे प्रोविज़न होते हैं डिपेंड अपॉन मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर ने जो भी प्रोविज़न दिए होते हैं वो, कि पावर जो है वो पावर भी सेट कर सकते हो आप लोग, इवन जो क्लॉक है वो क्लॉक को भी आप सेट कर सकते हो, या फिर स्पीड को प्रीहीट भी कर सकते हो ये सब के लिए। सो दिस इज़ द सिंपल एंड बेसिक ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रोवेव ओवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।